हाय किड्स, हाय सर। आज देखो, आज हम सीखेंगे हाउ बिग इज माई हैंड। जो मेरा हाथ है वो कितना बड़ा है, मतलब वो कितना एरिया घेरता है, मतलब किसका हाथ है वो जो बड़ा माना जाएगा। अब देखो, हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड्स हैंड? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड इन स्क्वायर सेंटीमीटर्स? अब वो बोल रहे हैं हमारा जो हाथ है, ये हाथ है, ठीक है, इस हाथ का हमने जो एरिया है वो निकालना है स्क्वायर सेंटीमीटर में। अब देखो, ये ग्रिड बना हुआ है, ये ग्रिड का जो एक बॉक्स होता है इसका एरिया कितना होता है? वन स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है, ठीक है। पेरीमीटर किस में आता है? सेंटीमीटर में। तो एक जो बॉक्स है वो वन स्क्वायर सेंटीमीटर का है। तो अब देखो, हम चेक करेंगे कि कैसे पता करोगे कि आपके हाथ का एरिया कितना है। जैसे रेक्टेंगल होता है तो रेक्टेंगल में हम सीधे गुणा कर देते हैं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। स्क्वायर होता है तो लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देते हैं। लेकिन जो हमारा हाथ है वो न वर्ग है, न आयत है, न त्रिभुज है, तो अब उसका कैसे निकालेंगे? अब एक बच्चा यहाँ पर हाथ रखेगा अपना, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो, ये हाथ में क्या करना है आपको, इस ग्रिड पे ड्रॉ करना है पूरा हाथ, हिलाना नहीं बेटे, बन गया पूरा हाथ ये। ऐसे ही हर बच्चा अपनी अपनी बुक पे क्या करेगा, चेक करेगा कि उसका एरिया हाथ का कितना है। अब देखो, एरिया कैसे निकालेंगे? अब जो इसमें बॉक्सेज हैं, इन बॉक्सेज को आप गिनोगे, ठीक है। अब बॉक्स पहले हमने वो वाले गिनने हैं जो कि क्या हैं, फुल हैं, जो पूरे हैं। देखो, कुछ कुछ तो इसमें आधे हैं ना बॉक्स, उनको नहीं लेना है अभी, पहले हमने पूरे वाले लेने हैं। देखो, गिनते रहना है, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, ठीक है, 70 इधर भी है अभी, 71, 72, 73, 74, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 77,
ठीक हो गया? Yes, sir. 84 लगभग पूरे हो गए, ठीक है? मतलब जिसमें थोड़ा सा भी कवर हो रखा वो भी गिन लेना है। तो कितने हो गए टोटल? 84. अब देखो, इसका आधा और इसका आधा मिलाए तो एक बन जाएगा, ठीक yes, है? तो कितने हो गए? 85 हो गए। इन 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 दोनों को मिला लें 86. इसको और इसको मिला लें 87. इसको पूरा ही ले लो, कितने हो गए? 88 हो गए। फोर लिख लूँ यहाँ। अब देखो ये भी पूरा ही ले लो इसको, 1 2 3 3 हैं, इन दोनों को एक ले लो, 4 इन तीनों को एक ले लो, 5 इसके साथ और जोड़ लो, एक इसके साथ इसको जोड़ लो, 6 ठीक है, इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, 7 इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, 8 इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, 9 और जोड़ लो, ठीक है? अब देखो और कहाँ कहाँ बच रहे हैं, इन तीनों को एक साथ जोड़ लो, 1 इन दोनों को जोड़ लो, 2 इसको पूरा ले लो, 3 इन दोनों को जोड़ लो, 4 5 6 ठीक है, 7 8 9 ठीक है, अब कहीं छूट रहे हैं, हाँ ये छूट रहा है, 10 11 अब कहीं छूट रहा है सर, यहाँ पे जी, हाँ 11 ही छूट रहा है, एक 12 ये तो पूरा ही छोड़ा, इन दोनों को मिला लो ना, 12 मतलब आपने करना क्या है, 12 हो गए ना ये, yes. करना क्या है कि जहाँ पर कुछ छूट रहा है, देखो अभी यहाँ पे ये छूटा हुआ है अभी, एक सर यहाँ पर बची है, हाँ एक सर यहाँ पर भी, हाँ एक देखो, इसको इसको और इसको मिला लो, कितना हो गया? 1 और हो गया, ठीक है? और कहीं छूट रहे हैं सर?
हाँ इतने थोड़े छोटे, हाँ जैसे एक ही छूटा है, एक ही छूटा है टू, सर ये भी जी, हाँ एक यहाँ पे छूटा है, तो इन सबको एक साथ मिला लो। ओके वन टू कहाँ पर था वो, थ्री, और छोटे मोटे कहीं छोटे होंगे तो उन सबको मिला के एक बन जाएगा। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, गेस से आपको दो तीन को मिला के आप एक बॉक्स बना सकते हो। मतलब आपने ये देखना है कि उसे एक बॉक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अब जोड़ लो इनको सबको, देखो वन अ वन, टू अ टू, अ फोर, ए अ फोर, ट्वेल्व, अ नाइन, ट्वेंटी वन का वन, एट अ टू, टेन, अ वन, इलेवन। तो 111 क्या हो गया, स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो गया विवेक के हाथ का। ऐसे हर बच्चे का निकलेगा। अब तो जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका सबसे बड़ा हो गया, सिंपल है। यस सर, कर लोगे? यस सर।